नमस्कार, स्वागत है आपका सती हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइन से। एबीपी सी वोटर सर्वे ने कहा कि बीजेपी की सीटों में भारी गिरावट टक्कर दे रहे हैं अखिलेश। दिल्ली की हवा जहरीली, सीजीआई ने लगाई फटकार, दिया लॉकडाउन का सुझाव। डोभाल बोले सिविल सोसाइटी नए वॉर फ्रंटियर्स हैं, पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ी। पीएम मोदी की 4 घंटे की यात्रा पर शिवराज सरकार ने बहाये 23 करोड़ रुपए। और मणिपुर में सेना की टुकड़ी पर आतंकियों का हमला, 7 की मौत। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और ये खबर जुड़ी हुई है एबीपी सी वोटर ओपिनियन सर्वे की। जी हाँ, कोई भी ओपिनियन सर्वे होता है वो जनता का मूड बताता है, उस राज्य में जहां पर चुनाव है वहां की एक झलक देता है। 5 मुख्य राज्य हैं जहां पर 5 महीने के अंदर चुनाव होने हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, ये सारे राज्य हैं जहां पर फरवरी और मार्च के महीने में चुनाव होने हैं। और एबीपीसी वोटर्स का जो सर्वे आया है वो ये कहता है, अगर उत्तर प्रदेश से मैं शुरुआत करूं तो उत्तर प्रदेश में जो कुल मिलाकर 403 सीटें हैं, जिसमें कि बीजेपी को ये कहा जा रहा है कि 213 से 221 सीटें मिल सकती हैं, जो कि 2017 के मुकाबले एक भारी गिरावट बताई जा रही है। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर है 152 से 160 सीटें, बीएसपी 16 से 20, और कांग्रेस को एक बड़ा झटका है। ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी इतनी सक्रिय होने के बावजूद जो सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को केवल 6 से 10 सीटें मिल रही हैं और अन्य के खाते में 2 से 6, यानी कि जो बीजेपी का कड़ा मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी से है, ना कि बीएसपी से। बीएसपी के वोट शेयर में भी काफी गिरावट आई है, और लेकिन जहां तक वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी के वोट शेयर में भी काफी अंतर पड़ा है। 2017 में ये वोट शेयर 41.4 था और ये गिरकर अब 40.7 हो गया है। और कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा झटका है कि इतनी सक्रियता दिखा रही थी और हर मुद्दे पर कांग्रेस इतनी मुखर थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस को केवल 6 से 10 सीटें मिल रही हैं, यानी कि बीजेपी की सरकार इस सर्वे के मुताबिक बन रही है लेकिन वोट शेयर में काफी फर्क है, सीटों में गिरावट है। तो असली मुकाबला समाजवादी पार्टी से होगा। अब अगर समाजवादी पार्टी अगर अपना गठबंधन ठीक से कर लेती है, जो गणित है वो ठीक से बिठा लेती है, तो हो सकता है कि एक कड़ा मुकाबला बीजेपी को मिले, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की सरकार ही यूपी में बनेगी। और लोकप्रियता के मामले में योगी आदित्यनाथ अभी भी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। तो एक ये खबर है उत्तर प्रदेश में जो कि एक जनता का मूड बता रही है, लेकिन झटके की बात कांग्रेस के लिए है और बीजेपी के लिए चिंता का विषय यह है कि वोट शेयर काफी गिर गया है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर 70 सीटें हैं, वहां पे कांग्रेस को 30 से 34, बीजेपी को 36 से 40, यानी कि अभी भी बीजेपी की ही सरकार ऐसा लग रहा है उत्तराखंड में बन रही है। आम आदमी पार्टी को 0 से 2 और अन्य को 0 से 1, यानी कि कड़ा मुकाबला अभी भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। हरीश रावत अभी भी लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर उभर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन उत्तराखंड एक छोटा राज्य माना जाता है जहां पर अक्सर जोड़ तोड़ की सरकार होती है, और अगर कोई एक पार्टी जीतती है तो फिर कभी कभी एक मेजॉरिटी सरकार भी होती है। लेकिन यहां पे क्योंकि बीजेपी को 36 से 40 सीटें मिल रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि 70 सीटों में सरकार बीजेपी की बनेगी, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। कांग्रेस 30 से 34 सीटें उसको मिल रही हैं, तो देखना यह होगा कि क्या इन्हीं सीटों पर जाकर फैसला सिमटता है या फिर कांग्रेस कोई जोड़ तोड़ की सरकार बना सकती है, इस पर निगाहें सबकी टिकी होंगी। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में 117 सीटें हैं। सबसे यहां पर बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है सर्वे के हिसाब से, 47 से 53 सीटें। कांग्रेस दूसरे नंबर पर है 42 से 50, अकाली तीसरे नंबर पर है 16 से 24, और अन्य बीजेपी केवल 1 सीट और अन्य के खाते में कुछ 0.38% के करीब वोट पड़ रहे हैं। तो यानी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में ये वोटर सर्वे जो है क्या ये सही है, क्योंकि चन्नी इस समय बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लोगों में लोकप्रिय हो रहे हैं, तो लोग कांग्रेस को वोट देंगे या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार
को बनाएंगे आम आदमी पार्टी में, जहां जहां पर वो सक्रिय है वहां वहां उन सीटों पर फूट की खबरें आ रही हैं कि आपस में ही सब लड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या वाकई में आम आदमी पार्टी को लोग वोट डालेंगे, ये थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना होगा। लेकिन मैंने कहा कि ये सर्वे है, केवल एक मूड, केवल एक झलक देता है। तो पंजाब में इस सर्वे के हिसाब से आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। अब बात करते हैं गोवा की। गोवा में अभी भी जो कड़ा मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, और गोवा में 40 सीटें हैं, छोटा राज्य है जहां पर बीजेपी को 19 से 23 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 2 से 6 और आम आदमी पार्टी को 3 से 7 और अन्य के खाते में 8 से 12। लेकिन कांग्रेस को जो 2 और 6 सीटें मिल रही हैं, 2 से 6, ये आंकड़ा बहुत ज्यादा क्रेडिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस की हालत इतनी खराब गोवा में नहीं लग रही है जितनी ये सर्वे बता रहा है, और बीजेपी को 19 से 23। अब वहां पर क्या है, गोवा में समीकरण बदल गए हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस इस समय काफी सक्रिय है, तो वोटों का जो बंटवारा है, विभाजन है, वो कैसे होगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस सर्वे से ये पता चल रहा है कि बीजेपी की सरकार ही बनती हुई नजर आ रही है। उसी तरह से मणिपुर, जहां 60 सीटें हैं, बीजेपी को 25 से 29 सीटें, कांग्रेस को 20 से 24, एनपीएफ को 4 से 8 और अन्य के खाते में 3 से 7, यानी कि यहां भी मणिपुर में भी बीजेपी का ही माहौल बन रहा है, वहां सरकार बन रही है। यानी कि कुल मिला के जो 5 राज्य हैं बीजेपी की ही बल्ले बल्ले नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके के मुद्दे अभी हाल में छाए हुए हैं, महंगाई, पेगासस, किसान आंदोलन, ये तमाम मुद्दों के बल पर जिस तरह से विपक्ष काफी सक्रिय है, तो क्या ये सर्वे सही निकलेगा ये थोड़ा सा अभी कहना मुश्किल है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सर्वे एक मूड बताता है जनता का, लेकिन मूड अभी भी ऐसा ही लगता है कि बीजेपी के साथ है। और उसकी वजह क्या है, लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि विपक्ष चिल्ला तो रहा है तमाम मुद्दों के बाद के आधार पर, लेकिन क्या विपक्ष एक स्थिर सरकार बना पाएगा, इसको लेकर ऐसा लग रहा है कि मन में डाउट है। उसी तरह से यूपी में लोगों को ऐसा लग रहा है कि प्रियंका गांधी पर विश्वास नहीं है। प्रियंका गांधी तमाम मुद्दों पर सक्रिय नहीं, लेकिन कांग्रेस को केवल यूपी में 6 से 10 सीटें ही मिल रही हैं। तो ये सारी एक झलक हमें बताता है कि विपक्ष के लग रहा है कि अभी भी उसको बहुत सारा काम करना है, और सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, लेकिन बीजेपी के लिए चिंता ये है कि वोट शेयर में काफी गिरावट आई है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच ने आज सुनवाई की थी, और उन्होंने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से कहा है कि वो सोमवार तक ये बताएं कि किस तरीके के इमरजेंसी मेजर्स उठाएंगे। और कोर्ट ने यह सुझाव दिया है कि अगर 2 दिन का लॉकडाउन लगाना पड़े तो आप लगाइए, या फिर गाड़ियों को अगर रोकना है तो उसको क्या रोकिए, तो क्या इस तरीके के मेजर्स की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो पराली जलाने का मामला है वो थोड़ा है, कुछ परसेंटेज ही आप उसको इसका कारण बता सकते हैं, लेकिन बाकी जो प्रदूषण फैल रहा है वो पटाखे से, इंडस्ट्री से, धूल से, तमाम वो चीजें हैं। और जो सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा स्टबल बर्निंग के बारे में, वो बताने लगे कि किस तरीके से किसान पराली जला रहे हैं, तो उस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आप किसानों को ही हमेशा दोष देने की बात करते हैं, लेकिन किसानों की सोचिए तो किसानों के लिए इन्फोर्समेंट का प्रॉब्लम नहीं है, आपने उनको इंसेंटिवाइज नहीं किया है। उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि किसान अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी महंगी मशीन्स, और उस पर जो जस्टिस सूर्यकांत थे उन्होंने कहा कि जो 70 से 80% जो पोल्यूशन है वो केवल स्टबल बर्निंग से नहीं है, बल्कि इसमें और भी मुख्य कारण है। अब ये पूरे मामले की जो सुनवाई है अब वो 15 नवंबर यानी कि सोमवार तक के लिए टाल दी गई है, और उसमें सरकार को ये बताना है कि क्या इमरजेंसी मेजर्स उठाए गए हैं। लेकिन बेंच ने कड़ी टिप्पणी किया है और कहा है कि जैसे अगर लॉकडाउन भी अगर आपको लगाने की जरूरत पड़े तो आप लगाएं, या जो वेहिक्यूलर ट्रैफिक है, गाड़ी की आवाजाही, आप उसको बिल्कुल बंद करिए। तो इस तरीके के आप इमरजेंसी मेजर्स कौन कौन से लेंगे ये केंद्र सरकार को बताना है। अभी ये सुनने में आ रहा है कि एक इमरजेंसी मीटिंग है, अब उसमें क्या कुछ निकल कर आएगा ये देखना होगा। लेकिन स्कूल खुल गए हैं, बच्चे कितने वल्नरेबल हैं इस समय, इस बात को बेंच ने भी कहा है और इस बात को लेकर बताया गया है। लेकिन जो ये टिप्पणी कि बार बार किसानों को कहा जाता है कि वो पराली जलाते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस बार मॉनसून लेट आया था, किसानों के पास भी बहुत सारे विकल्प नहीं है, इसलिए एजेंसीज को रीच आउट करना पड़ेगा, उनको जाना पड़ेगा किसानों के पास सारे विकल्प को लेकर। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि देखिए हम कोऑपरेटिव सेंटर्स के थ्रू हम जो स्टबल बर्निंग मशीन्स है वो किसानों को दे रहे हैं, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको हम फ्री में दे रहे हैं, लेकिन वाकई में ये ना काफी है, और
खाली पराली जलाने को ही का कारण ही प्रदूषण, प्रदूषण के कारण से पराली जलाना ही नहीं बल्कि और चीजें हैं, और जिस पर सीजीआई ने इस बात को लेकर कहा कि आपको इस इमरजेंसी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे और राजनीति के बियॉन्ड जाकर यानी कि राजनीति से ऊपर उठकर भी आपको सारे मेजर्स उठाने पड़ेंगे, इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, इस बात को सीजीआई ने कहा है। तो अब देखना यह होगा कि सरकार क्या कहती है, लेकिन ये दिखाता है कि किस तरीके से प्रदूषण हमारी प्राथमिकता नहीं है। चाहे वो दिल्ली सरकार हो, बड़े बड़े वायदे करती है, केंद्र सरकार हो, बड़े बड़े बोल बोलती है, लेकिन प्राथमिकता नहीं है। अगर प्राथमिकता होती तो जिस तरीके से खुले आम जो पटाखों को जलाया गया है उन पर कड़ी रोक लगती, लेकिन किसी ने नहीं रोका। पटाखे धुआंधार जलाए गए, धुआंधार कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसको लेकर भी कोई इन्फोर्समेंट नहीं है। तो ये दिखाता है कि सरकार बड़ी बोल बोलती है, लेकिन जब इन्फोर्समेंट की बारी आती है, जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है, तो सरकार कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रेंगती हुई नजर आ रही है, और उसके लिए पोल्यूशन कोई भी प्राथमिकता नहीं है। फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। तीसरी खबर में बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की। अगर किसी भी समाज में जो कि अगर सिविल सोसाइटी को अपने साथ न लेकर चले तो आप सोच सकते हैं कि वो समाज कैसा होगा, और लेकिन अगर एक ऐसी सत्ता हो जो कि सिविल सोसाइटी को एक एनिमी के रूप में देखती हो, एक दुश्मन के रूप में देखती हो, जिसको काबू करने की जरूरत है, तो आप सोच सकते हैं कि उस सत्ता का माइंडसेट क्या होगा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल एक आईपीएस ऑफिसर्स की पासिंग आउट परेड थी हैदराबाद में, उसको संबोधित कर रहे थे, और उसमें उन्होंने ये टिप्पणी की कि जो सिविल सोसाइटी है वो हमारा नया फ्रंटियर है, वो एक नया वॉर फ्रंट है हमारे लिए, यानी कि एक नए तरीके का युद्ध है सिविल सोसाइटी, जिसको कि लोग मैनिपुलेट करते हैं, और सिविल सोसाइटी जो देश है उसके हित में काम नहीं करता, ऐसा संदेश आईपीएस ऑफिसर्स को अजीत डोभाल ने दिया है। कोई मामूली सामान्य इंसान नहीं बल्कि देश के सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आईपीएस ऑफिसर्स को ये बताते हैं कि अब आपको ऊपर ये जिम्मेदारी है, ये एडिशनल बर्डन है कि आपको सिविल सोसाइटी को कंट्रोल करना होगा। आईपीएस ऑफिसर्स कानून व्यवस्था तो देखेंगे ही, लेकिन इसके अलावा जो एडिशनल जिम्मेदारी उनके ऊपर डाली जा रही है वो ये है कि सिविल सोसाइटी को कैसे कंट्रोल करना है, उनको कैसे कब्जे में करना है, और ये देखना है कि वो देश हित की बातें करें। सिविल सोसाइटी क्या करती है? सिविल सोसाइटी समाज को जागरूक करती है, सत्ता को आईना दिखाती है कि देखिए जहां कमियां आपके एंड से हैं वो कमियों को हम बताएंगे और आप उन कमियों को पूरा करो। लेकिन यहां पर एक ऐसी सरकार है बीजेपी की जो कि सिविल सोसाइटी को काबू करने की बात कहती है, और अजीत डोभाल ने यह कहा कि सिविल सोसाइटी को लोग सबवर्ट करते हैं, उनको विभाजित करते हैं, उनको लोग मैनिपुलेट करते हैं, जिससे कि देश का नुकसान होता है। इसलिए आप लोग यानी कि आईपीएस ऑफिसर्स को ये एडिशनल अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा रही कि अब आपको सिविल सोसाइटी को कंट्रोल करना होगा। अब ये जो पासिंग आउट परेड थी इसमें 132 ट्रेनीज थे आईपीएस ऑफिसर्स, जिसमें कि 16-17 फॉरेन पुलिस के लोग भी थे, जिसमें मालदीव्स है, भूटान है, नेपाल है। आप सोचिए कि इस तरीके की मैसेज लेकर जब ये ऑफिसर्स अपने देश में जाएंगे तो वो क्या सोचेंगे कि ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा लोकतांत्रिक देश है जो अपने ब्यूरोक्रेट से ये कह रहा है कि आप सिविल सोसाइटी को नियंत्रित करिए, काबू करिए। तो क्या ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है? एक बहुत ही शर्मनाक कमेंट है ये अजीत डोभाल की तरफ से, और साथ में उन्होंने कहा कि आप रिफॉर्म्स के बारे में सोचिए और जो पास्ट में देश ने मिस्टेक्स की हैं वो ना करिए, और किसी भी लोकतंत्र का सार केवल चुनाव या बैलेट बॉक्स नहीं होता। तो ये तो सारी बातें ठीक थी, लेकिन सिविल सोसाइटी को नियंत्रित करने की, काबू करने की जो सलाह अजीत डोभाल ने दी है वो बहुत ही शर्मनाक है, और ये दिखाता है कि ये एक तानाशाह सरकार का प्रतिबिंब उन्होंने और एक तानाशाह सरकार की सीख हमारे उभरते आईपीएस ऑफिसर्स को दी गई है। तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ये अपने मन में आज किस तरीके की भावना को लेकर जाएंगे लोगों के बीच, जब वो सिविल सोसाइटी से इंटरैक्ट करेंगे तो वो ये समझेंगे कि ये जो सिविल सोसाइटी है ये समाज की दुश्मन है, देश की दुश्मन है। इस तरीके का एक माइंडसेट लेकर ये सारे ब्यूरोक्रेट सिविल सोसाइटी से इंटरैक्ट करेंगे, यानी कि वो एक दुश्मन है और उसको दुश्मन के तौर पर देखना चाहिए। लेकिन सिविल सोसाइटी जिस तरीके के सुझाव, जिस तरीके के सजेशंस देती है सरकार को, जहां पर सरकार की कमियां होती है उसको बताती है, वो सारी चीजें दरकिनार किया जाए, लेकिन सिविल सोसाइटी देश की दुश्मन है, कितनी बड़ी सीख दी है अजीत डोभाल ने।
क्या ऐसी सीख लोकतंत्र में होती है? किसी भी एक अच्छे लोकतंत्र में लोग सिविल सोसाइटी को एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही ताकतवर अंग मानते हैं, जिससे कि देश आगे बढ़ता है। और यहां पर इस देश को के आईपीएस ऑफिसर्स को अजीत डोवाल ये सीख दे रहे हैं कि नहीं, आपको इन्हें काबू करना है, क्योंकि इन्हें मैनिपुलेट किया जाता है, ये देश को विभाजित करते हैं, इसलिए आप इन्हें नया वॉर फ्रंट की तरह देखिए। उन्होंने कहा कि आपकी जिम्मेदारी सीमा को बचाने की तो है, कानून व्यवस्था को बचाने की है, लेकिन साथ में आपको ये देखना है कि सिविल सोसाइटी को बचाना है। उन्होंने ये भी कह दिया कि कोई भी युद्ध आज के जमाने में बहुत महंगा होता है, अनअफोर्डेबल है, अनिश्चितता होती है, तो आप उस युद्ध के बारे में मत सोचिए, लेकिन जो एक नया युद्ध जिससे आप जिसके लिए आपको तैयारी करनी है, और जो नए योद्धा जिसके लिए लड़ने के लिए तैयारी करनी है, वो है सिविल सोसाइटी। फीडबैक दीजिएगा, बहुत ही शर्मनाक कमेंट है, क्या ऐसे लोकतंत्र, एक स्वस्थ लोकतंत्र में लोग कोई ऐसी बातें करता है? इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि 52 जिले से जितने भी आदिवासी हैं उनको बुलाया जा रहा है, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा की याद में एक बड़ा सा एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते शिरकत करेंगे। लेकिन यहां पर खबर यह है कि इस कार्यक्रम के लिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार पैसे बहा रही है, वो बहुत शर्मनाक है। अब ये बताया जा रहा है कि 4 घंटे का ये इवेंट है, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर केवल 1 घंटा 15 मिनट रहेंगे, लेकिन उस स्टेज को बनाने के लिए देखिए 5 डोम्स उसके लिए बड़े बड़े बनाए गए हैं, जिसके लिए 23 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब अगर इसको हम इस बजट को अगर बांट के आपको बताएं, तो 13 करोड़ सिर्फ जंबोरी मैदान जहां पर वो इवेंट हो रहा है वहां पर लोगों की आवाजाही कराई जाएगी, यानी कि जितने भी ट्राइबल्स हैं जिनको बुलाया जा रहा है अलग अलग जिलों से, उनकी आवाजाही में 13 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाएंगे। 2 लाख ट्राइबल्स हैं वो आएंगे, और जो वेन्यू है उसको पूरा सजाया गया है, अलग अलग ट्राइबल पेंटिंग से सजाया गया है, बहुत भव्य तरीके से एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। 300 से ज्यादा इसमें कारीगर ऑलरेडी लग चुके हैं, और फूडिंग और लॉजिंग के लिए सोचिए 12 करोड़ रुपए लगे हैं, 9 करोड़ केवल डोम बनाने के लिए और सजाने और सवारने के लिए। कि क्यों? अब कांग्रेस के जो नेता हैं, जैसे कि हीरा लाल अलावा, उन्होंने कहा है कि ये जो 13 करोड़ का जो फंड था, ये स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षा विभाग में लगना चाहिए था, इस फंड को डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि मोदी जी को पब्लिसिटी मिल सके, क्योंकि जितना भव्य कार्यक्रम होगा मोदी जी को उतनी ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। आखिर इसके पीछे मंशा क्या है? अब आपको बताते हैं कि बीजेपी को 2008 में मध्य प्रदेश में कितनी सीटें मिली थी? 18। 2013 में जब चुनाव हुआ तो 31, लेकिन 2018 में ये संख्या गिरकर 16 हो गई। तो मोदी जी को अब ये चिंता है और शिवराज जी को ये चिंता है कि 47 सीटों पर बीजेपी जो रिजर्व सीट्स हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है, यानी कि जो आदिवासी हैं उनकी सीट्स हैं, तो उनको लुभाने का ये एक बड़ा कार्यक्रम है। और किस स्तर पर यह आयोजन हो रहा है? आप शिक्षा को भूल जाइए, आप स्वास्थ्य को भूल जाइए, आप जो एससी एसटी के जो एलोकेटेड फंड्स हैं उनको भूल जाइए, लेकिन मोदी जी की पब्लिसिटी में, उनको एक अच्छा सा स्वागत करने में आपने 23 करोड़ रुपए बहा दिए एक 4 घंटे के इवेंट के लिए। एक ऐसे समय में इतना अनाप शनाप खर्च से बचा जा सकता था, और एक ऐसे समय में, एक महामारी का समय है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, आपको अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है ताकि लोगों के का जो जीवन है, जो आम जनजीवन है, वो सुरक्षित हो सके। लेकिन नहीं, ये सरकार, ये एक ऐसी सरकार है जो कि पब्लिसिटी में ज्यादा बिलीव करती है, प्रोपेगेंडा में ज्यादा बिलीव करती है, ना कि आपकी जेब भरने में। आम जनता की जेब में कुछ ना जाए, लेकिन मोदी जी की पब्लिसिटी में 4 घंटे के लिए 23 करोड़ रुपए खर्च करने से इस सरकार को कोई परहेज नहीं है। तो प्रोपेगेंडा नहीं तो और क्या है? ये क्या जनहित में काम करने वाली सरकार है? इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना की, जो कि मणिपुर से जिसकी खबर आ रही है कि एक आतंकी संगठन ने असम राइफल्स की एक टुकड़ी पर हमला किया, जिसमें कि बताया जा रहा है कि कर्नल जिसका नाम विप्लव त्रिपाठी है, उनकी पत्नी, उनके बेटे की मौत हो गई, उसके साथ 4 सिपाही समेत 7 लोग मारे गए हैं। सुबह 10 बजे का ये हमला था, और बताया जा रहा है कि चूराचांदपुर जिला में, जो कि म्यांमार की सीमा से सटा हुआ इलाका है, वहां पर इस तरीके का हमला हुआ है। बताया ये जा रहा है भी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि मणिपुर की एक आतंकी संगठन है,
उसका हाथ बताया जा रहा है। हालांकि उस संगठन ने भी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ऐसी अटकलें सुनाई पड़ रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि किस तरीके से आज भी मणिपुर में हथियारबंद जो संगठन है वो कितने सक्रिय हैं, अलगाववाद की जो ताकतें हैं वो आज भी कितनी सक्रिय हैं, तो क्या बीजेपी सरकार इनसे कोई बातचीत करने की कोशिश कर रही है, क्या ये जानने की कोशिश कर रही है कि उनकी क्या मंशा है, वो क्या चाहते हैं। चुनाव इस बार है मणिपुर में और जाहिर सी बात है कि इस तरीके की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए जाएंगे। तो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना लेकिन बताता है कि किस तरीके से जो मणिपुर में जो अंदरूनी ताकतें हैं, खासकर जो हथियारबंद संगठन है और अलगाववादी ताकतें हैं, वो आज भी सक्रिय हैं और कहीं ना कहीं एक संवाद की कोई ना कोई कमी जरूर नजर आ रही है। इस स्टोरी पर फीडबैक दीजिएगा। सुनिए सच की पांच बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @nilu317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।